बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इन प्रोसेस हम एग्जांपल 4.3 को एक्सप्लेन करेंगे और इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्सेस हो, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो या मिक्स हो, तो एक तो तरीका ये है कि हम, जैसे अब ये सर्किट है, यहाँ पे हम KVL लगाएं और यहाँ से करंट मालूम करें इसको सॉल्व करके, एक तरीका ये है। एक और तरीका ये है कि आप एक सोर्स को वन एट ए टाइम, यानी बारी बारी लें। जैसे यहाँ पे दो सोर्स हैं तो हम पहले एक सोर्स का असर देखें कि इसके वजह से इसमें क्या करंट फ्लो होगी, और उसके बाद ये जो दूसरा सोर्स है इसके वजह से देखेंगे कि इसके वजह से इसमें क्या करंट फ्लो होगी, और फिर इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान यहाँ पे है सवाल है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुश्किल सवाल जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम के ज़रिए बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और मैंने नोट किया कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो नाम मिक्स कर देते हैं कि ये सुपरपोजिशन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ आप थोड़ा सा अगर एम्फेसाइज करें, दिमाग पे जोर डालें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोजीशन जो है, एक एक पोजीशन को बारी बारी हम इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट पोजिशन को पहले हम यूज़ कर रहे हैं और फिर राइट पोजिशन को यूज़ कर रहे हैं, और इन दोनों को ऐड करके तो हम सुपर पोजिशन इस प्रोसेस को कहते हैं। अब यहाँ पे एक आध चीज़ें जो है वो हमने देखनी है, इसके टेक्निक या थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न्ड ऑफ, यानी अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसको हम ऑफ कर देते हैं। अब आई एम श्योर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पता होगा, नहीं तो हम आगे देख लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब सोर्स को टर्न ऑफ करने का तरीका क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, और अगर करंट सोर्स है तो उसको टर्न ऑफ करने या ज़ीरो करने के लिए उसको हम ओपन कर देते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, ये डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ये जो डायमंड से डिपेंडेंट, तो डायमंड अगर जहाँ पे हो तो उसको हम कहते हैं ये डिपेंडेंट सोर्स है। जैसे ये अब देखें 4IB, यानी ये IB पे ये सोर्स जो है वो डिपेंडेंट है। इसी तरह DIX, तो ये IX पे ये सोर्स डिपेंडेंट है। अब इनको क्या करना है, डिपेंडेंट सोर्सेस आर लेफ्ट इंटैक्ट, यानी इनको नहीं छेड़ना, इनको हमने ज़ीरो नहीं करना, इनको उसी तरह सर्किट में रहने देना है। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड V इन द सर्किट। अब यहाँ पे देखिए, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हमने मालूम करना है। तो अब देखिए, हम एक पहला काम हम ये करेंगे कि ये इस करंट सोर्स को हम ज़ीरो कर देंगे, और करंट सोर्स को ज़ीरो करने के लिए उसको ओपन कर देते हैं। तो एक हमारे पास सर्किट ये बन जाएगा, और यहाँ से हम जो करंट निकालेंगे इस सर्किट में उसका नाम हम दे देंगे I1। और उसके बाद दूसरे में क्या करेंगे कि हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, और अब ये करंट सोर्स है, तो जो करंट इसमें से हमने, तो इसमें वोल्टेज मालूम करना है, तो इस करंट को हमने देखना है, ये I3 करंट है। तो अब हम इन दोनों I1 और I3 को ऐड करके टोटल करंट निकाल सकते हैं, या बारी बारी हम वोल्टेज निकालें। हमें चूँकि V मालूम करना है, तो हम इसके वजह से जो वोल्टेज है उसका नाम हम V1 दे दे रहे हैं, और इस करंट की वजह से जो वोल्टेज है उसका नाम हम V2 दे रहे हैं। तो V1 प्लस V2 हमारा V बन जाएगा। तो वी ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ड्यू टू ईच सोर्स। वी हैव अज्यूम्ड दैट द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर ड्यू टू 6 वोल्ट सोर्स इज V1 एंड ड्यू टू 3 एम्पीयर करंट इज V2। तो ये जैसे मैंने बताया कि इस सोर्स की वजह से जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं कि ये V1 है, और इस सोर्स की वजह से जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं V2।
अब हम आ जाते हैं पहले वाले पे, यहाँ पे हम केवीएल यूज करेंगे, माइनस सिक्स प्लस एट आई वन प्लस फोर आई वन, माइनस सिक्स प्लस एट आई वन प्लस फोर आई वन, और इसको सॉल्व करके हमने आई वन निकाल लिया 0.5 एम्पेयर। अब हम वोल्टेज निकाल सकते हैं कि वी फोर इंटू आई, तो वोल्टेज आ गया 4 × i 2 वोल्ट। अभी इसके डायरेक्शन को मार्क करना या समझना बहुत ज़रूरी है। हमने ये पढ़ा था कि करंट जिस पॉइंट पे पहले टच करे वो पॉजिटिव होता है, तो अब यहाँ पे देखिए ये करंट i1 इज टचिंग दिस टॉप, तो इसलिए हमने टॉप को पॉजिटिव लिख दिया और दूसरे सिरे को नेगेटिव लिख दिया। तो चले अब हमने ये v1 निकाल लिया। अब हम आते हैं दूसरे वाले सर्किट पे, ये सर्किट है देखिए 3 एम्पेयर करंट है, दो रास्ते हैं इसको, तो बाई KCL हम निकाल सकते हैं या बाई वोल्टेज करंट डिवीजन रूल हम इसको इस करंट को निकाल सकते हैं। तो I3 इज टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म, ये आपको याद होगा। तो ये टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म, तो ये 2 एम्पेयर करंट हो गया। और इसके डायरेक्शन को भी देखिए, ये ऊपर से नीचे है, तो इसलिए जहाँ पे ये I3 टच करे वो सिरा पॉजिटिव होगा और दूसरा सिरा नेगेटिव। तो दोनों वोल्टेजेस V1 और V2 के डायरेक्शन सेम है। यहाँ से हमने V2 निकाल लिया, I3 into 4, तो 4 × 2 8 वोल्ट आ गया। अब दोनों वोल्टेजेस हमने निकाल लिए। अब चूंकि V1 और V2 के डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। V1 प्लस V2 इज 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब ये मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तंग करने के लिए ये करंट सोर्स में उल्टा कर देता था या वोल्टेज सोर्स उल्टा कर देता था, तो जो इसको केयरफुल नहीं होंगे वो गलती कर बैठेंगे। अगर मैं करंट सोर्स उल्टा दूँ तो ये करंट फिर इसके डायरेक्शन यूँ हो जाएंगे, इसका मतलब नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि आप इस वोल्टेज के साथ इसको माइनस करेंगे। तो ये आपने जहन में रखना है इस चीज़। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी उसी तरह का है सवाल जो पिछला हमने सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, और हमने मालूम करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड V0। V0 कहाँ पे है? ये 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका V0 हम कह रहे हैं। तो सेम टेक्निक, हमने एक एक को लेना है बारी बारी। पहले इस वोल्टेज सोर्स को हमने ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो करने के लिए इसको शॉर्ट करते हैं। अब ये करंट सोर्स है, हमें इस करंट में हम इंटरेस्टेड हैं, तो इसका दो तरीका है। एक तो आप ज़बानी लिख सकते हैं कि 5 ओम देखिए इस साइड पे है और इसी तरह 5 ओम लेफ्ट साइड पे है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज द करंट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर करंट ऑन द लेफ्ट हैंड ब्रांच, उसका हम कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये I1, तो करंट I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बाई CDR निकालें कि जी टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म, तो हम CDR के तरीके से यहाँ पे करेंगे, और बाई KCL टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म, तो ये आ गया 2.5 एम्पेयर। अब इस वोल्टेज को हमने मालूम करना है, V01 इसका नाम होना चाहिए था। चलिए V01 इज I1 इंटू 2, यानी 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये पहला हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे सोर्स को, इसको लेंगे और इसको ओपन कर दिया तो ये ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे आसान है कि ये वोल्टेज है, हमने इसको इसके अक्रॉस मालूम करना है, तो सिंपली बाय वोल्टेज डिवीजन रूल ये वोल्टेज हम मालूम कर लेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं V02, यहाँ पे V01 होना चाहिए था, बहरहाल हमने ये इधर लिख लिया। तो V02 टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2.4 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे भी गौर करने वाली बात है कि इस करंट की वजह से यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगी उसके वजह से भी यहाँ
ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो यानी V01 और V02 के डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम उनको ऐड कर देंगे। तो ये V0 है, V01 प्लस V02, तो ये 7.4 वोल्ट। और यहाँ पे भी मैंने जस्ट वार्न आपको ये कि आपने ध्यान में रखना है पोलैरिटी का, इनमें से कोई भी एक पोलैरिटी अगर आपके टीचर इसको उल्टा कर दे तो घबराना नहीं है, जस्ट हैव टू कीप इन माइंड के एक्चुअल डायरेक्शन क्या है और उसी हिसाब से आपने यहाँ पे प्लस या माइनस यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेसिक्स। अब इससे अगले वीडियो में हम थोड़े से लेंथी सवाल जो है उसको करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।